नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, केम छो, मजा मा। तो आज हम चर्चा करेंगे अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के आगे के स्टेप्स के बारे में। आज का पॉइंट हम लोग लेंगे वो आँखों के पॉइंट्स और कान के पॉइंट्स पहले लेंगे, और उसके बाद में हम शोल्डर के पॉइंट्स लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड की आँख, कान और शोल्डर, वो उसका पॉइंट लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट हाथ में रहेगा, लेफ्ट पैर में भी रहेगा। और राइट साइड की आँख का, कान का, शोल्डर का पॉइंट राइट साइड में रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स ड्रॉ करके बताता हूँ आँखों का पॉइंट्स। ओके, आँखों का जो पॉइंट्स है वो यहाँ और यहाँ इस एरिया के बीच में है, इस एरिया में, ठीक है। ये आँखों का पॉइंट्स है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा आँखों का पॉइंट्स है। इस आँखों के पॉइंट को दबाने का ये हो गया लेफ्ट के लिए। इसी तरह से राइट साइड के लिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इस एरिया में, इसका जो बीच का जो एरिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये आँखों का पॉइंट हो गया। ये लेफ्ट साइड का मेरा आँख का, और ये राइट साइड का आँख का पॉइंट। इस पॉइंट को दबाने से आँखों का कनेक्शन जो है, आँखों के जो एक्टिवनेस है या उसका जो ब्लड फ्लो है, ये सब अच्छा हो जाता है। ये आपको किस तरह से यूज़ करना है, 20 सेकेंड एट अ टाइम, उसके बाद 20 सेकेंड का गैप, फिर 20 सेकेंड, फिर गैप, फिर 20 सेकेंड। ओके, अब आपको मैं नया तरीका भी बता देता हूँ आज। कल हमने बताया था आप पेन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें नुकीली कोई चीज़ ना हो, राउंड हो या फ्लैट हो, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ऐसे आपको बताता हूँ आँखों का पॉइंट इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, ये है मटर, सूखा वाला मटर है, और मूंग का दाना, सफ़ेद मटर का दाना, और ये हरा वाला मटर का दाना, और चने का दाना। इसमें से जो भी कोई सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, गेहूं का दाना हो या गोल मूंग का दाना हो या मसूर का हो या चना हो या बटाना हो, मटर हो, इसमें से कोई भी एक आप ले लीजिए, एक या दो ले लीजिए इसमें से, और उस पॉइंट पे आप रखिए। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रखना है तो इस तरह से रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेलो टेप से चिपका भी सकता हूँ, सेलो टेप से चिपका दूँगा तो वो मुझे आधे घंटे तक या एक घंटे तक चिपका के रख सकता हूँ, तो उसका असर होता रहेगा, वो पॉइंट स्टिमुलेट होता रहेगा। ओके, ये हो गया आपका दूसरा तरीका कि घर बैठे बैठे या किचन में या डाइनिंग रूम में या बेडरूम में बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक दाना आपके घर में होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं, उसको लगा देना है और उसको चिपका देना है सेलो टेप से, या तो फिर आपको ऐसी कोई गोल वाली चीज़ से कर सकते हैं। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, वो कान का पॉइंट बताता हूँ। अब कान का पॉइंट मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। ये मेरा लेफ़्ट साइड है, और लेफ़्ट साइड का कान का पॉइंट, उसको स्टिमुलेट करने के लिए मुझे ये चूज़ करना होगा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख रहा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ओके, इसको आगे तक खींच लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा जितना भी नरम भाग है वो पूरा लेफ़्ट साइड का कान का पॉइंट है। राइट साइड का कान का पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा राइट साइड का कान का पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट दबाने से आपका कान पे अच्छा असर पड़ेगा, कान के नसों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, कान के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो ये भी आपको डेली करना है,
बीस बीस सेकेंड के तीन राउंड इस हाथ में और 20-20 सेकेंड के तीन राउंड इस हाथ में। मतलब आपको पहचानना है कि आपको कौन से पॉइंट अभी उसको सुधारना है, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो पॉइंट आपको देखना है। तो कल मैंने आपको बताया था वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो कि थंब में होता है और ब्रेन पावर ये भी इस एरिया में होता है। ये कल वाले वीडियो में आप देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। ओके, अभी मैं आपको शोल्डर के पॉइंट्स बताता हूँ। अगर शोल्डर अगर पेन करता है तो ये जैसे ये शोल्डर का जॉइंट है और ये शोल्डर के मसल्स यहाँ तक हैं और यहाँ से नीचे है, तो इसका पॉइंट है लेफ्ट साइड का, वो यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, जो लाइन मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन को पकड़ना है। इस लाइन को पकड़ के यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा, और ये लाइन पे ये सारा जो एरिया है ये आपको शोल्डर का एरिया है। अगर ये आपको शोल्डर अगर आपका पेन करता है तो ये पॉइंट भी पेन करेगा। जो भी अंग आपका जहाँ पर भी पेन है या तकलीफ है उसका रिफ्लेक्टेड जो पॉइंट है वहाँ पर आपको दर्द होगा, महसूस होगा। बिकॉज इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर यहाँ का दर्द है तो उसके पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर राइट साइड में मेरे लेफ्ट साइड में अगर पेन है तो लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट साइड में पेन है तो राइट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, और पूरा पेन है तो दोनों में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हमने आज तीन पॉइंट देखे, आँख के पॉइंट, कान के पॉइंट और शोल्डर के पॉइंट। फिर से मैं आपको बता दूँ, ये आँखों के पॉइंट, ये कान के पॉइंट, ईयर के, और ये है ये शोल्डर के पॉइंट। इसको आपको स्टिमुलेट करना है। कैसे करेंगे फिर से एक बार डेमो दे देता हूँ। जहाँ पे भी ज़्यादा पॉइंटेड चीज़ ना हो, राउंडिंग चीज़ हो, उस चीज़ को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए। आपको या तो ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं या बेस्ट वे उसको दबा के रखो, दबा के आप 20 गिनो, फिर उसको ऐसे झटके से रिलीज़ करो, फिर 20 सेकंड का गैप लो, फिर से 20 सेकंड तक स्टिमुलेट करो जोर से, 20 सेकंड का गैप लो झटके से, फिर 20 सेकंड करो और फिर झटके से छोड़ो, फिर थोड़ा आप ब्रेक लो। टाइमिंग आप कब चूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है। आफ्टरनून में भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, शाम को सोते वक्त भी चलेगा। लेकिन आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, एनी टाइम आप अगर फूड लिया है तो आपको 20, 25, 50 मिनट का गैप रख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक मेरा और एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने मार्केट से लाई है, सिंपल चीज़ है, सब लोग यूज़ करते हैं। ये क्या है, यह है टूथ ब्रश। अब ये टूथ ब्रश में आजकल आप देखेंगे तो मैक्सिमम टूथ ब्रश में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बने हुए रहते हैं। वो क्यों बने हुए रहते हैं, क्योंकि टूथब्रश ऐसी चीज़ है जो सुबह सुबह सबसे पहले हम करते हैं, तो ब्रशिंग करते हैं तो उस टाइम हम ये ब्रश को हाथ में पकड़ते हैं। अब मैं इसको खोल के बताता हूँ। ये देखिए, ये है ब्रश। अब इसके अंदर देखिए आप कहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये तीन पॉइंट बने हुए हैं, दिख रहे हैं, चार पॉइंट सॉरी, पीछे भी है, इस साइड में भी है, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी पॉइंट बने हुए हैं। फिर यहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं थोड़ी सी, और यहाँ पर भी ऐसे धारी जैसी बनी हुई है। अब इसको आप जैसे ही हाथ में पकड़ेंगे ब्रश करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपका अंगूठा यहाँ पे टच होगा तो ये पॉइंट दबेगा, यहाँ पे आपकी उंगली टच होगी तो ये पॉइंट दबेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको एक काम करते करते दो चीज़ें फ़ायदा हो रही हैं, आपका ब्रशिंग भी हो रहा है और आपका एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। तो ब्रशिंग कर लिया अगर आपने और फिर एक्यूप्रेशर फिर से करना है एनी टाइम ऑफ द डे, आप ये ले लीजिए ब्रश। आप दवाई की दुकान में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ब्रशेस आपको उपलब्ध होंगे जिसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बने हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे इधर पीछे भी इधर पॉइंट्स बने हुए हैं, दिख रहा है, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इधर भी बने हुए हैं, तो ये इसको पकड़ने से भी आपके पॉइंट्स दबेंगे। प्लस इसका जो ये वाला एरिया है ये भी थोड़ा सा पॉइंटेड है, बट इसको
ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, मतलब राउंड है बट थोड़ा सा पॉइंटेड है, जो बॉल पेन के जैसा है ना वैसा नहीं है, बट थोड़ा अगर इसको बेयर कर सकते हैं तो इससे भी आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं आपको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये रेगुलर यूज़ में आप सब लोग लेते हैं, और हर तरह की, हर वैरायटी की, हर कंपनी की ब्रश उपलब्ध है जिसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट बने हुए हैं। ओके, तो हमने आज ये डिस्कस किया एक्यूप्रेशर के बारे में, आँख के, कान के और शोल्डर के पॉइंट। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे दूसरे यूज़फुल पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और दूसरा, और एक चीज़ हमने जो यूज़ किया आज, वो ये मटर के दाने, चने के दाने और मूंग के दाने और मसूर के दाने, ये दाने इसमें से कोई भी एक दाल आपके घर में होगी तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप उस पॉइंट पे लगा के दबा सकते हैं तो भी वो एक्यूप्रेशर का अच्छा पॉइंट वो हो जाएगा। और उसको चिपका के रखेंगे तो आधे घंटे तक आप चिपका के रख सकते हैं उस पॉइंट पे, तो ऑटोमेटिकली एक्यूप्रेशर होता रहेगा। ओके, मेन ज़रूरी चीज़ यह क्या है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट किस चीज़ के लिए है, तो उस चीज़ को वो फ़ायदा करेगा। ओके, तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे आप कमेंट या लाइक करके जता सकते हैं, और अगर इसमें कुछ सजेशन आपको देना है तो आप मोस्ट वेलकम। थैंक यू।